हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिविल डिकोडर लेकर आया हूं आप सभी के लिए ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। चाहे आप वो बिलिंग इंजीनियर के इंटरव्यू देने जा रहे हो, या साइट इंजीनियर के इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर आप क्वान्टिटी सर्वेयर के लिए जा रहे हो, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के सारे इंटरव्यूज़ के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रजिस्टर द प्रेशर ऑफ एन अर्थ फिलिंग इज नोन एज। यानी कि ऐसी कौन सी वाल है, कौन सी दीवार है जो अर्थ के प्रेशर को झेलती है या रोकती है। तो कहीं भी अर्थ का प्रेशर है या मिट्टी भरी हुई है, तो वहाँ एक हम वॉल डिज़ाइन करते हैं, वॉल बनाते हैं, जिसे सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में जनरली जो है रिटेनिंग वॉल कहा जाता है। तो रिटेनिंग वॉल इज़ द वॉल विच रजिस्टर द प्रेशर ऑफ एन अर्थ फिलिंग। यानी कि रिटेनिंग वॉल जो है वो हमारे अर्थ फिलिंग के प्रेशर को झेलता है। कहीं भी मिट्टी का भराव हो तो उसको रोकने के लिए हमें रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करना पड़ता है, रिटेनिंग वॉल बनाना पड़ता है। वो रिटेनिंग वॉल ही रिस्पॉन्सिबल होता है मिट्टी के जो प्रेशर है उसको झेलने के लिए। शो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिटेनिंग वॉल। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिटेनिंग वॉल ही है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। यानी कि सॉइल का, मिट्टी का बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, उससे किसी भी चीज़ के मतलब झेलने का कितनी क्षमता होती है मिट्टी की, या लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है मिट्टी की। तो वो होती है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो आइए देखते हैं कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो बियरिंग कैपेसिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द लोड्स अप्लाइड टू द ग्राउंड बाय द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी कि किसी भी मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो कि वो झेलती है किसी भी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन से। यानी कि हमारा जो भी लोड है स्लैब का या बिल्डिंग का, वो बीम्स के होते हुए, कॉलम्स के होते हुए, वो लास्ट में फाउंडेशन में जाता है। और फाउंडेशन जो होती है हमारी मिट्टी के ऊपर टिकी होती है। तो फाइनली जो मिट्टी हमारा पूरे स्ट्रक्चर का लोड झेलता है वो उसकी बियरिंग कैपेसिटी है। तो उसकी लोड झेलने की जो क्षमता होती है मिट्टी के, उससे ही हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट। ये हमारे आज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। तो सीमेंट के बारे में तो आप सबको पता है कि सीमेंट क्या होता है, बट इसके टाइप्स के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। ग्रेड्स के बारे में तो लोगों को जानकारी होती है कि ग्रेड 33, 43 या 53 होती है, बट इसके टाइप्स बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे कि जनरली ओपीसी कहते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा वाइट पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि डब्ल्यूपीसी। थर्ड नंबर पे जो हमारा सीमेंट आता है उसे कहता है पोर्टलैंड पोज़ोलोना सीमेंट PPC। फोर्थ नंबर पे है हमारा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट। ये सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट ही है, बट थोड़ा सा इसमें कलरिंग ऐड ऑन की जाती है। सिक्स्थ सीमेंट है हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। सेवन्थ नंबर पे हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड एट्थ नंबर पे हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और नाइन्थ नंबर पे हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। और इस प्रकार की सीमेंट में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से कुछ और भी सीमेंट के नए टाइप्स आ रहे हैं मार्केट में, तो उस हिसाब से ये बढ़ रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट एरिया एंड सुपर बिल्ट एरिया। तो जिन लोगों के लिए वर्ड नया नया है तो उन्हें मैं बता दूं कि सुपर बिल्ट एरिया, कारपेट एरिया, ये वर्ड्स जनरली सिविल इंजीनियरिंग में यूज की जाती है। किसी भी फ्लोर पे जो एरिया मौजूद है, जो स्पेस मौजूद है, उसे डिनोट या दर्शाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा बिल्टअप एरिया। इट इंक्लूड्स योर कारपेट एरिया प्लस एरिया कवर्ड बाय वॉल्स, पिलर्स एंड डक्ट्स। इट इज़ यूजुअली 10% मोर देन द कारपेट एरिया। एंड सेकेंड नंबर पे हमारा सुपर बिल्टअप एरिया। इट इंक्लूड्स योर बिल्टअप एरिया प्लस द एरिया दैट यू यूज़ एज बिल्डिंग एमिनिटीज़ लाइक पैसेज टू लिफ्ट, स्टेयर एंड लिफ्ट एक्सेट्रा। तो बिल्टअप एरिया जो होता है वो हमारा होता है जो हमारा कारपेट एरिया, जिस जगह को हम यूज करते हैं, प्लस जो हमारा वाल्स ने जो स्पेस ले रखा है उस फ्लोर पे, तो उन सबको जोड़ करके जो हमारा होता है वो होता है बिल्टअप एरिया। और उसी एरिया में अगर हम अपना कॉरिडोर या पैसेज या लिफ्ट तक जाने का रास्ता, स्टेयरकेस, जो भी एमिनिटीज़ हमें बिल्डिंग की तरफ से मिलती हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो एरिया, तो उन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो वो एक सुपर बिल्टअप एरिया बनता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वाटर सीमेंट रेशियो एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है और उसका हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत से लोग या बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, बट इंटरव्यूअर्स ये भी पूछ लेते हैं कि इसका जो है कंक्रीट के ऊपर, कंक्रीट के स्ट्रेंथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आप बताइए। तो आइए देखते हैं। द वाटर सीमेंट रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट। यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट है जो हम कंक्रीट मिक्स में यूज़ करते हैं। अ लोअर रेशियो लीड्स टू हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। यानी कि अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो लोअर है तो हमारा स्ट्रेंथ बहुत अच्छा मिलेगा कंक्रीट का, बट मेक द मिक्स डिफ़िकल्ट टू वर्क। बट अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा, वाटर कम होगा, तो सीमेंट जो है, हमारा जो कंक्रीट जो है वो वर्केबल नहीं होगा। तो इसलिए हमें यह भी कोशिश करना चाहिए कि वाटर सीमेंट रेशियो इतना रखें कि जो हमारा कंक्रीट है वो वर्केबल भी हो। और वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें एडमिक्सचर्स भी ऐड कर देते हैं, तो हमारा स्ट्रेंथ भी बना रहता है। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ हाइब्रिड फाउंडेशन। तो फाउंडेशन तो आप सबने पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा भी होगा, कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्ट भी कराया होगा, बट हाइब्रिड फाउंडेशन क्या होता है। तो हाइब्रिड वर्ड से आप डरे नहीं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाइब्रिड मतलब कुछ फाउंडेशन में डेवलपमेंट किया गया किसी काउज से, किसी रीजन की वजह से। तो आइए देखते हैं कि हाइब्रिड फाउंडेशन क्या होता है। हाइब्रिड फाउंडेशन इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स। यानी कि हाइब्रिड फाउंडेशन जो बनता है वह हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स बोथ सॉइल सपोर्टेड मैट एंड पाइल्स। इस फाउंडेशन में हमारा दोनों चीज़ होती है, पाइलिंग भी होती है और सॉइल सपोर्टेड मैट फाउंडेशन भी होती है। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज़ यूजफुल इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेटलमेंट। यानी कि अगर इस तरह का हम फाउंडेशन यूज करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, अपने बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग्स में, तो सेटलमेंट होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं। नाउ हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ ग्राउटिंग। ग्राउटिंग क्या है। तो ग्राउटिंग सुनने में तो बहुत अजीब सा या टेढ़ा सा वर्ड लग रहा है, बट ये ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ग्राउटिंग जनरली सिविल में हर जगह यूज होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जम के यूज होता है। तो ग्राउट जो क्या होता है, वो ग्राउट क्या होता है। ग्राउट इज़ अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ कंक्रीट। यानी ग्राउट जो होता है, जिसे हम ग्राउट कहते हैं, वो एक फ्लूइड फॉर्म ऑफ कंक्रीट है, लिक्विड फॉर्म है कंक्रीट का, जो कि कहीं भी कंक्रीट में वॉइड्स हैं या कहीं भी स्ट्रक्चर में वॉइड्स हैं या टाइल के बीच में वॉइड्स हैं, जो स्पेस खाली है उसे भरने के लिए यूज किया जाता है। तो ग्राउट इज़ ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ कंक्रीट विच इज़ यूज टू फिल द वॉइड्स। तो इसे ही हम फिलिंग के प्रोसेस को, वॉइड्स के फिलिंग के प्रोसेस को हम ग्राउटिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर द कॉलम। यानी कि स्लम्प के बारे में तो आपको पता होगा कि स्लम्प क्या होता है, स्लम्प टेस्ट क्या होता है। कोई भी कंक्रीट जब हमारा बन के आता है बैचिंग प्लांट से, तो हम उसका स्लम्प टेस्ट करते हैं कि उसकी कुछ स्लम्प वैल्यू आती है, कुछ हाइट आता है स्लम्प का, तो उसकी हम मेजरमेंट लेते हैं और उसे डिफाइन करते हैं कि कंक्रीट हमारा कैसा है, उसकी स्लम्प वैल्यू क्या है। तो जनरली जो कॉलम के लिए जो हमारा स्लम्प वैल्यू आना चाहिए वो 75 mm टू 125 mm तक आना चाहिए। तो जब भी कंक्रीटिंग हमें कॉलम की करनी हो तो हम उसका जब भी स्लम्प टेस्ट करें तो उसका जो स्लम्प हाइट आए वो 75 mm टू 125 mm आना चाहिए, यानी 75 mm से 125 mm आना चाहिए। अगर इस वैल्यू, इस रेंज में आपका स्लम्प वैल्यू आ रहा है तो आप इजीली उससे आप अपने कॉलम की कास्टिंग कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट। तो जनरली इंटरव्यूअर्स ये पूछते हैं कि ग्रेनाइट की बियरिंग कैपेसिटी क्या है। तो ग्रेनाइट की बेयरिंग कैपेसिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हम स्टेयर बनाते हैं या कॉरिडोर्स में ग्रेनाइट लगाते हैं तो हमें उसकी बेयरिंग कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि वो कितना वेट झेल सकता है। तो जनरली जो है ग्रेनाइट की बेयरिंग कैपेसिटी होती है 30 to 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो ग्रेनाइट की बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 30 to 35 किलोग्राम। तो अगर आपको ग्रेनाइट की बेयरिंग कैपेसिटी पता है तो उसके हिसाब से आप उसका यूज कर सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा लोड आने वाला है, जहाँ पे ज़्यादा सरफेस लोड है, जहाँ पे ज़्यादा डेड लोड है, लाइव लोड है, तो उस हिसाब से। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर। तो सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन मैनेजर बनने का भैया सपना तो हर कोई का है, बट कंस्ट्रक्शन मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ज़्यादातर इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं कि आपका क्या स्कोप है, आपका क्या फ्यूचर है सिविल इंजीनियरिंग में। बहुत लोग बोलते हैं मुझे भैया कंस्ट्रक्शन मैनेजर बनना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर बनना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपको पता होंगी, तो बताइए। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है वो देखता है कॉस्ट एस्टिमेट्स, एनालिसिस ऑफ प्रपोजल्स के एनालिसिस करता है, प्री परचेज ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल्स, जो मटेरियल साइट के लिए सिलेक्ट हुआ है उसकी प्री परचेजिंग करता है, बिडर्स बिडिंग फेज के लिए चूज करता है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग करता है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कंट्रोलिंग करना भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर का ही काम है, कंस्ट्रक्शन का साइट का पूरा सुपरविज़न करना भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर या कंस्ट्रक्शन मैनेजर का ही काम होता है। तो भैया आप लोग भी मेहनत करिए, तैयारी करिए, इंटरव्यूज़ क्लियर करिए और अपने लाइफ में अपने सिविल इंजीनियरिंग करियर में आगे बढ़िए और कंस्ट्रक्शन मैनेजर तक के पोस्ट तक पहुंचिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोज़ इंटरव्यूज़ की बनाई हुई हैं, तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। टोटल 100 क्वेश्चंस का मैं एक सेट तैयार कर रहा हूँ जो कि सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़ में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।